जल्दी बराबर तेज करिए, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट याद है? डिफ्यूजन करंट क्या था भैया? जब आपने पी एन दोनों सेंडिंग एंड मीटर को एक दूसरे से ज्वाइन किया तो एन से पी की तरफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जाने लगे और इसकी वजह से पी से एन की तरफ होल डिफ्यूज होने लगे और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगे और यहाँ पर एक करंट आता है जिसको हमने नाम दिया था डिफ्यूजन करंट। धीरे धीरे डिफ्यूजन स्लो होता गया क्योंकि भैया जो साइड इलेक्ट्रॉन दे रही थी एन साइड इलेक्ट्रॉन दे रही थी ना तो उसपे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस साइड में क्या गया पॉजिटिव चार्ज। जो साइड इलेक्ट्रॉन ले रही थी वन साइड इलेक्ट्रॉन पी साइड तो उसकी तरफ क्या हुआ नेगेटिव चार्ज आ गया। बीच में जंक्शन फील्ड क्रिएट हो गया जिसने फर्दर डिफ्यूजन को क्या किया स्लो कर दिया लेकिन साथ में ड्रिफ्ट को क्या किया इंक्रीज कर दिया। ड्रिफ्ट में क्या होता है बताया था ना भैया जब इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द फील्ड चलता है तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है भैया तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट इसे माइनॉरिटी करंट भी कहते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट हुए इसका माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट क्यों बोल रहे हैं बताओ। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट की वजह से आता है क्यों? क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होते हैं वो पी साइड से आ रहे होते और पी साइड पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं माइनॉरिटी होते तो इसलिए इसे माइनॉरिटी करंट भी कहते हैं नॉर्मली ड्रिफ्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है भैया तो जैसे ही ये दोनों प्रोसेस बराबर हो जाते हैं करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट तो ये प्रोसेस क्या होता है वहीं रुक जाता है स्टक कर जाता है और आपका पीएन जंक्शन बन के क्या होता है तैयार हो जाता है। तो मैं आगे फिर दोबारा से इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर लिखवा रहा हूँ ये एक चीज लीजिए चीजों को एनसीईआरटी की लाइन में लिखना पूरे नंबर भी लिखना। स्टार्ट करते हैं भैया देखिए हाँ माइक्रोमीटर वन टाइम तो माइक्रोमीटर लिख दिया। ठीक है आगे लिखे ड्यू टू दी पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ड्यू टू दी थोड़ी स्पीड में लिखना ड्यू टू दी पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन जंक्शन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन और हटी भी आ गया ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन क्या कहा मैंने ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन पी साइड ऑफ द जंक्शन an electric field directed from N to P side N to आपको ये थी आपको आपकी ये पी साइड थी है ना देखा थी एन साइड इसने इलेक्ट्रॉन दे करके क्या एक्वायर कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले करके क्या एक्वायर कर लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी याद है आपको जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या थी एन से लेके पी की तरफ याद है। चलो आगे लिखिए ठीक है ड्यू टू दिस फील्ड क्या कर रही थी फील्ड याद आपको डिफ्यूजन को रोक रही थी ड्रिफ्ट को बढ़ा रही थी। ठीक है ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन moves to N side. इस फील्ड की वजह से P साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भैया N साइड की तरफ जिसे माइनॉरिटी चार्ज के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं P से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो P में जो इलेक्ट्रॉन हो तो माइनॉरिटी होगा ना। ठीक है इसकी वजह से क्या आएगा कौन सा करंट आएगा ड्रिफ्ट करंट आएगा क्या आएगा ड्रिफ्ट करंट। ठीक है आगे देखिए
due to this field, an electron on p side of the junction moves to n side, and a hole n side of the junction moves to p side, and a hole on p n side of the junction moves to p side. उल्टा बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इस प्रोसेस में p से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा भैया, p से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा n में, तो इसका मतलब एक जो होल है वो कहां से कहां पे जाएगा, n से p में, एंड अ होल ऑन n साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू p साइड फुल स्टॉप. द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर due to the electric field is called drift. क्या कहते हैं? Drift. Full stop. Thus a drift current, which is opposite. In the direction of diffusion current. समझ गए भैया? Thus our drift current, which is opposite in the direction to the diffusion current, starts. समझ गए? अगले की भैया, initially कौन ज्यादा था? Diffusion process ज्यादा था, तो diffusion current भी क्या होगा भैया? ज्यादा हुआ. लेकिन धीरे धीरे क्या हुई भैया? N की साइड में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती चली गई. साइड में नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती चली गई. जंक्शन फील्ड क्या होगी? बढ़ती चली गई. ड्रिफ्ट भी क्या हुआ? बढ़ता चला गया. डिफ्यूजन क्या हुआ? कम होता चला गया. एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें क्या हो गया? दोनों बराबर हो गए और प्रोसेस क्या हुआ? कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो लिखिए, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल. इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल. And drift current is small. First stop. As the diffusion process continues. The space charge region. On either side of the junction, extend the space charge region. On either side of the junction, extended area. ये जो चौड़ाई होगी उतना भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि यहां से और सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ के और सारे होल को क्या करेंगे भैया? कंप्लीट करेंगे. तो ये क्या हुआ? ये रीजन, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी. डिप्लीशन रीजन का मैंने कल मतलब बताया था कि जहां पर चार्ज ना हो, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, विड्थ क्या है? डब्ल्यू है. तो ई इंटू में डब्ल्यू ज्यादा ही होगा. समझ गए? Thus increasing the electric field strength, enhance drift current. First stop. This process continues. Until
the diffusion current until the diffusion current कोई बात नहीं कोई बात ठीक है डिफ्यूजन अंटिल डिफ्यूजन करें इक्वल टू ड्रिफ्ट करें अंटिल डिफ्यूजन करें इक्वल टू ड्रिफ्ट करें ठीक है फुल स्टॉप दस अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म दस अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म फुल स्टॉप फॉर्म फुल स्टॉप इन अ पीएन जंक्शन इन अ पीएन जंक्शन इन अ पीएन जंक्शन अंडर द इक्विलिब्रियम अंडर द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जानते हो ना भैया आई ड्रिफ्ट इक्वल्स टू में आई डिफ्यूजन भैया इक्विलिब्रियम का मतलब आई ड्रिफ्ट इक्वल्स टू आई डिफ्यूजन अंडर द इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में आई ड्रिफ्ट इक्वल्स टू आई डिफ्यूजन ब्रैकेट बंद There is no net current. There is no net current. यहाँ पर net current की value क्या भी आ जाए, इक्विलिब्रियम बन जाता है zero. ठीक है? And a potential difference appear across the junction. And a potential difference appear across the junction called potential barrier. Called potential barrier across the junction. Called potential barrier. Bracket में लिख लो which slow the diffusion rate. Which slow the diffusion rate. ये क्या करता है भैया potential barrier? Diffusion rate को slow कर देता है. Slow the diffusion rate. Bracket बंद. ठीक है भैया तो भैया ये आपका पीएन जंक्शन बन के तैयार है बेटा किसको किसको क्लियर है ईमानदारी के साथ हाथ खड़े करके भरी जो आपका पीएन जंक्शन बना है किसको किसको क्लियर है अच्छे से भैया पीएन जंक्शन बना है चित्र बना लो बोर्ड पे लो बहुत बढ़िया सिमरन रावा सुभि मनहास प्रीति जा किरण नीलो बाकी सब सो रहे ठीक है चलो भैया फटाफट ये डायग्राम बना लो उसके बाद हम करेंगे सिंबल पीएन पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है ठीक है एक पे ये तो आप जानते ही हो ना पी साइड एंड साइड एक ये होता है ठीक है ये होता है पीएन जंक्शन का सिंबल ठीक है सिंबल लिख देना सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन सिंबल है सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन अब देखिए भैया इसमें कई बच्चे गलती करते हैं बाइसिंग करते हैं बाइसिंग अभी पता ज्यादा 20 के बाद जस्ट बिना ये क्या है इसकी नाक है ये नाक है ना तो उसको कहते हैं भैया एंसर क्या कहते हैं जो ये चोट से निकली होती है इसे नाक कहते हैं और ये क्या पिछवाड़ आते जाओ ध्यान रखना भैया ये साइड क्या नाक वाली तो एंसर कर रहे हैं इसको हमें क्या करना है पी से आ समझ गया सिंबल बना लीजिए बच्चों को पता ही नहीं होता साइड क्या कुछ है अब लिखिए भैया बाइसिंग जल्दी करो अच्छा बाइसिंग लिखिए क्या कहेंगे कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कनेक्शन कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद विद बैटरी इसे बाइसिंग कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद बैटरी बैटरी के साथ पीएन जंक्शन का डायोड का कनेक्शन इसे हम क्या कहते हैं भैया बाइसिंग बाइसिंग ठीक है भैया पहला है भैया फॉरवर्ड बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग बाइसिंग और दूसरा क्या है भैया रिवर्स बायसिंग बायसिंग ठीक है रिवर्स बायसिंग दो तरह की बायसिंग होती है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग ठीक है भैया अब फॉरवर्ड क्या होती है ध्यान दीजिए अब फॉरवर्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या
ठीक है, ये बहुत ज्यादा कुछ ध्यान होती है, ठीक है। तो फोटोलाइसिंग होती है जब पीएन जंक्शन पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पीएन जंक्शन की एन साइड को बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं भैया, फॉरवर्ड बायसिंग। बैटरी की पी पीएन जंक्शन की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और पीएन जंक्शन की एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से। तो आपको पता है यहाँ पर आपको पता ऑलरेडी जंक्शन फील्ड का सेटअप और की है ना, प्लस यहाँ पे फील्ड, ठीक है। अभी होता क्या है भैया कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो होल्स होते हैं क्या मिलेगा, अगर ऐसे मोटे तौर पर देखना चाहो, ठीक है, और ये इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड है ये यहाँ की इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी, धकेलेगी ना मेजोरिटी तो इधर धकेलेगी, और ये पॉजिटिव साइड का यहाँ के होल्स को धकेलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये विड्थ क्या होती है डब्ल्यू, क्या होती भैया, डिक्रीज कर जाती है विड्थ, क्या होती भैया, डिक्रीज कर, समझ गए, दोबारा बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइड जो है वो होल्स को और ये नेगेटिव साइड क्या करती है इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा धकेलती है, जिसकी वजह से विड्थ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, क्या करती है विड्थ डिक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रही, ठीक है, V equals to क्या मिल गया, आपका V equals मिला था E into में D, क्या भैया, या W, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट को V इस डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया, ये जब W डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल वेरिएबल क्या हो गया, आप और इसको बढ़ाओ और बाहर का पोटेंशियल बढ़ाओ, इसके ऊपर और प्रेशर लगेगा और यहां से आप प्रेशर लगेगा, इसकी विड्थ क्या होगी और कम हो जाएगी, और लगाओ और कम हो जाएगी, और लगाओ और कम हो जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ये विड्थ क्या होती है खत्म, वैनिश, जीरो, और उस वक्त क्या होता है, कोई फील्ड नहीं होती जंक्शन पर, किसी प्रकार की कोई फील्ड नहीं होती, और ये क्या होता है गुड कंडक्टर बिहेव कर लगता है, अब कोई जंक्शन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था, क्या कर रहा था, रोक रहा था, लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया ये भैया, इसे कहते हैं भैया ब्रेक इट डाउन वोल्टेज, क्या कहते हैं उसे भैया, जिस पोटेंशियल पर ये सारी चीजें बम वाइंड रखती है भैया, जिस पोटेंशियल पर ये पूरा का पूरा जंक्शन क्या होता है खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं भैया ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या कहते हैं उसे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जरा थ्योरेटिकली कहता हूं, थ्योरेटिकली कभी इसको बताया मैंने आपको टेक्निकली, ठीक है, अब ये भैया इसकी वजह से देखिए, इस पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है, तो इस जंक्शन की ये है पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल वैल्यू, क्या है पोटेंशियल ड्यू टू किसी, ये जो आपका जंक्शन है ना इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो क्या है वी वी, क्या है, लेकिन जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो बाहर से ऐसे अप्लाई कर पॉजिटिव से नेगेटिव बोला ना पोटेंशियल की डायरेक्शन, तो बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा इस जंक्शन, टोटल पोटेंशियल एट दिस जंक्शन क्या होगा बताओ, क्या होगा वी बी माइनस वी, ये क्या है भैया एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये क्या है भैया, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या कम हो गया, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 10 वोल्ट, क्या है इसकी 10 वोल्ट, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या 2 वोल्ट था, मतलब फास्ट से आपको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो क्या हुआ डिफरेंस कितना आ रहा 8, अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन हो गई, सिचुएशन आएगी यहां पे ऐसा आएगा मैं v इक्वल्स टू में भी, जब ये वाला वोल्टेज जो बाहर का वोल्टेज आप यहां से अप्लाई कर लें वो इस जंक्शन बैरियर के पोटेंशियल के क्या हो गया बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या कहते हैं भैया ब्रेक डाउन वोल्टेज, उस कंडीशन में क्या होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है भैया पूरे सर्किट का जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट होता है करंट का रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट क्या होता है भैया मैक्सिमम हो जाता है, और ये क्या करेगा भैया करंट को अलाउ कर दिया, क्या करेगा भैया अलाउ कर दिया, और ये जो ये किसको बिंदु रहा है इसकी जो ग्राफ जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भैया, ये आई है आई बनता ना ऊपर छोटी ग्राफ में बनाते थे आप, ठीक है आई एक्स पे और वी ऊपर वाई, स्टार्टिंग में क्या होता है देखिए होता क्या पोटेंशियल आपने बढ़ाया, पोटेंशियल आप बढ़ा रहे ठीक है, पोटेंशियल आप बढ़ा रहे तो करंट क्या थोड़ा सा बढ़ रहा है,
क्योंकि जंक्शन है ना अभी, अब इसको बढ़ाया तो अभी भी तो जब जंक्शन का पोटेंशियल कुछ होगा और जंक्शन का पोटेंशियल क्या करता है, करंट को रोकता है, क्या करता है करंट को रोकता है, तो करंट इस मैग्नीट्यूड का होता है। थोड़ा और पोटेंशियल आपने बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और कम हो गई इनका पोटेंशियल, और कम हो गया और करंट क्या हो थोड़ा सा फिर बढ़ा है ना, बढ़ रहा है। उसके बाद फिर आपने और बढ़ाया तो क्या हुआ, और कम हो गया इनमें पर भी जाने का ऑपरेट हो ठीक है। लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिसमें का और दोनों बराबर है ये वाला ठीक है, और उसको नेट पोटेंशियल के फॉर्मूले का और जीरो एक करंट का एक का एक है ऐसे बोलिए, समझ गए भैया, एक का है आपका बढ़ गया करंट ठीक है भैया समझ गए। और ये करंट क्या आता है मिली एम्पियर, किसमें होता है भैया मिली एम्पियर, किसमें होता है मिली एम्पियर ठीक है भैया। और यही यहाँ का जो पोटेंशियल होता है इस कंडीशन में बैरियर पोटेंशियल और एक्सट्रीम पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं भैया बराबर होते हैं, इसे नील पोटेंशियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया नील पोटेंशियल। क्यों पता है तुमको, देखो ऐसे कोनी कितने हैं, कोनी कितने हैं नहीं, इसलिए इसका नाम नील पोटेंशियल होता है। वो पेन मशीन है समझिए भैया। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कहलाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्या कहलाता है भैया देखिए भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए कितना है ना, ये क्या है भैया आपका, ये किसके अंदर तनाव है पोटेंशियल का, तो तनाव में कितना होगा इसका टेंजेंट कीजिए, टेंजेंट कीजोगे टेंजेंट कीजोगे छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये क्या भैया डेल्टा ही, तो ये करंट के पैरेलल है अरे का डेल्टा वी, तो आपको पता है डेल्टा ही कौन डेल्टा वी क्या है, स्लोप देखिए इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई, पासे में डेल्टा वी तो बहुत ज्यादा है और डेल्टा आई क्या भैया बहुत छोटा है, तो जब करंट बहुत छोटा है पोटेंशियल बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहा है तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में R too large, power too large। ये भैया आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट जैसे तो ट्रायंगल ये बन गया, ये क्या होगा डेल्टा आई, ये क्या होगा डेल्टा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ठीक है इसको डेल्टा आई बन करते इसको डेल्टा आई डायनेमिक रेजिस्टेंस ठीक है भैया, क्योंकि रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को लगातार बदल रहा है, जब रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को बदलता है इसका मतलब वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है ठीक है। पकड़ लो ये फोर्ड वाइसी का, और ये जो आप ग्राफ बनाए ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या